हेलो एवरीवन दोस्तों, IIM कॉमन एडमिशन टेस्ट के जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो गए हैं आज यानी कि 3 अगस्त से। अगर आप मैनेजमेंट कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हो नेक्स्ट सेशन में, तो आपके लिए कॉमन एडमिशन टेस्ट 2022 में अपीयर होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप 2023 में मैनेजमेंट कोर्सेज में एडमिशन ले पाओगे एट वेरियस IIMs इन इंडिया। और IIMs के अलावा कुछ और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और भी कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कॉमन एडमिशन टेस्ट के थ्रू MBA कोर्स में अपने स्टूडेंट्स को एडमिशन देती हैं। तो अगर आप IIM CAT के लिए इंटरेस्टेड हो, तो मैं आज की इस वीडियो में आपको इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह वो सब चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आओगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट डेट्स देख सकते हो। 3 अगस्त से 14 सितंबर तक इसके फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे, जिसका लिंक यहाँ पर राइट साइड में है। और 27 अक्टूबर को इसका एडमिट कार्ड आएगा और 27 नवंबर संडे को कॉमन एडमिशन टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। अब बात करते हैं इसके डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो यहाँ पर आप नो मोर के सेक्शन में नीचे आओगे, तो यहाँ पर आपको अलग अलग PDF मिल जाएंगी, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको मिल जाएगा जिसमें सारी डिटेल रहेंगी। तो हम इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है कॉमन एडमिशन टेस्ट का वो डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट विल कंडक्ट अ कंप्यूटर बेस्ड कॉमन एडमिशन टेस्ट। जो कॉमन एडमिशन टेस्ट जो होता है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, MCQ बेस्ड एग्ज़ाम होता है। ये टेस्ट 3 सेशन में कंडक्ट होगा। अब जो आपका एडमिट कार्ड आएगा उसमें टाइमिंग वगैरह सभी कुछ लिखी हुई होती है। CAT 2022 विल बी कंडक्टेड बाय IIMs एज अ प्री रिक्वेस्ट फॉर एडमिशन टू वेरियस मैनेजमेंट प्रोग्राम ऑफ IIMs। दीज प्रोग्राम आर, कुछ प्रोग्राम्स की डिटेल भी यहाँ पर मेंशन है, जैसे IIM अहमदाबाद है, इसमें कौन कौन से प्रोग्राम में आप एडमिशन ले सकते हो उसकी डिटेल है, और कॉलेज की वेबसाइट यानी कि इंस्टीट्यूट की वेबसाइट का भी लिंक है। जैसे अगर हम मैं बात करूँ, IIM कलकत्ता में MBA कोर्स अवेलेबल है, IIM बोधगया में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स अवेलेबल है, ठीक है, PGP कोर्स, IIM जम्मू है इसके अंदर MBA है, और MBA के अंदर अलग अलग कुछ स्पेशलाइजेशन जो होती हैं वो यहाँ पर मेंशन है। तो इस प्रोस्पेक्टस में जो IIMs की डिटेल है वो आपको मिलेंगी, ठीक है। बाकी अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी में लाइक DU में एडमिशन चाहिए, BHU में चाहिए, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में चाहिए, और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो MBA के थ्रू एडमिशन देती हैं, तो आपको उनकी पर्टिकुलर वेबसाइट को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो IIMs की डिटेल हो गई। बाकी सेपरेट एडवर्टीजमेंट में अपीयर फॉर प्रोग्राम अदर देन PGP स्पेसिफिक टू ईच पर्टिकुलर IIM, लाइक आप अपनी पर्टिकुलर IIM की वेबसाइट चेक करो अपने पर्टिकुलर प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन के लिए, फर्दर डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। अच्छा, और नीचे आते हैं तो यहाँ पर CAT एग्ज़ाम की वेबसाइट वगैरह का डिटेल है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। आप लोगों के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज स्ट्रीम, किसी भी डिसिप्लिन में, और किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी की, ठीक है। 50% मार्क्स आपके बैचलर डिग्री में होने चाहिए, और अगर आप SC ST या PWD से बिलोंग करते हो उस केस में 45% मार्क्स आपके होने चाहिए। आपकी जो डिग्री होगी बैचलर डिग्री, उसमें अगर आपकी जो यूनिवर्सिटी है ग्रेड पॉइंट्स में मार्क्स देती है, तो उसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सो दैट आपकी 50% बननी चाहिए। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कैंडिडेट अपियरिंग फॉर द फाइनल ईयर ऑफ बैचलर डिग्री इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन एंड दोज हु हैव कंप्लीटेड डिग्री रिक्वायरमेंट एंड आर अवेटिंग रिजल्ट कैन ऑल्सो अपियर। हाउएवर इट मे बी नोटेड दैट सच कैंडिडेट इफ सेलेक्टेड विल बी अलाउड टू ज्वाइन द प्रोग्राम प्रोविजनली ओनली इफ दे सबमिट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ऑफ दियर रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज इशूड ऑन और बिफोर द डेट स्टिपुलेटेड बाय द रिस्पेक्टिव IIM। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, अगर आप बैचलर डिग्री के फाइनल ईयर में हो या फिर आपने एग्ज़ाम दे दिए हैं फाइनल ईयर का, आपका रिजल्ट नहीं आया है, उस केस में भी आप कॉमन एडमिशन टेस्ट के लिए अपियर हो सकते हो 2022 में। और जिस भी रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट में या यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लोगे, अगर वो यूनिवर्सिटी का जो भी डॉक्यूमेंट सबमिशन का लास्ट डेट होगा, उस लास्ट डेट तक आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, ठीक है। बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार मैं फाइनल ईयर में अपीयर हो रहा हूँ, मेक श्योर कि मेरी एग्रीगेट परसेंटेज ग्रेजुएशन की 50% हो, सो दैट मैं कॉमन एडमिशन टेस्ट के लिए एलिजिबल रहूँगा।
या फिर रिजर्वेशन क्राइटेरिया जो भी गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग होता है वो रिजर्वेशन क्राइटेरिया फॉलो करा जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें दोस्तों, 1150 रुपये फ़ीस है एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए और 2300 रुपये फ़ीस है एप्लीकेशन फॉर्म की बाकी अदर कैंडिडेट के लिए, ठीक है। और इम्पोर्टेंट डेट्स तो मैं आपको बता चुका हूँ, 3 अगस्त से लेकर 14 सितंबर शाम 5 बजे तक आप इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हो, ठीक है। बाकी टेस्ट सेंटर्स वगैरह की डिटेल, आप जब फॉर्म भरोगे तो टेस्ट सेंटर का प्रेफरेंस आपको देना होगा। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ये समझना है, कॉमन एडमिशन टेस्ट जो है वो है प्री रिक्वेस्ट है अलग अलग आईआईएम्स में मैनेजमेंट कोर्स में एडमिशन के लिए, लेकिन कुछ आईआईएम्स ऐसे हैं जो अपार्ट फ्रॉम योर कैट स्कोर आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स भी देखते हैं। कुछ आईआईएम्स ऐसे हो सकते हैं लाइक मान लो कैट में अपियर होने के लिए 50% मार्क्स आपको चाहिए, ठीक है जी, 50% आपके ग्रेजुएशन में है, यू कैन अपियर इन कॉमन एडमिशन टेस्ट। लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जो एमबीए अपने कॉलेज में या अपने इंस्टीट्यूट में एमबीए में एडमिशन के लिए रिस्पेक्टिव परसेंटेज का क्राइटेरिया रखते हैं, तो वो आपको अपने रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर ही इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो आप वो वेबसाइट ज़रूर से चेक करिए अप्लाई करने से पहले। तो दोस्तों यही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कॉमन एडमिशन टेस्ट के लिए, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा यहाँ जाके, इसके बाद आप लॉगिन करके अपना फॉर्म कंप्लीट कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।